हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके टिप्स फॉर एग्जाम आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और नोटिफिकेशन जो कि जॉब से रिलेटेड होने वाला है। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है IAF इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना जो कि न्यू रिक्वायरमेंट जो कि रिलीज हुआ 2021 में। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन है एयरफोर्स IAF ग्रुप सी के लिए जो कि ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है। इसे आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स, रिसेंटली एक और फॉर्म आई थी जो कि एक हफ्ते पहले आई थी। फ्रेंड्स, वो भी रिलेटेड थी ग्रुप सी से ही, और 2-3 मंथ्स पहले भी एयरफोर्स का ग्रुप सी का फॉर्म आया था। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी होती है ग्रुप सी से वो आती रहती है, जो कि वैकेंसी अलग अलग यूनिट्स एंड अलग अलग पोस्ट के लिए आती रहती है फ्रेंड्स ग्रुप सी में एयरफोर्स में। अभी जो रिसेंटली अभी फ्रेंड्स जो अभी आई है फॉर्म, वो भी ग्रुप सी में ही है, और इसमें देखेंगे हम कौन कौन सी वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका जॉब लोकेशन क्या होने वाली, सैलरी डिटेल्स क्या होने वाली, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली, इन सारी चीज़ को हम कवर अप करेंगे। आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस ला सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी द वीडियोस। सो फ्रेंड्स, इसको हम देख सकते हैं एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्वायरमेंट जो कि 2021 में इसका शॉर्ट डिटेल्स देखें फ्रेंड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम होने वाला है फ्रेंड्स, वो इंडियन एयरफोर्स जो कि IAF है। नेम ऑफ द पोस्ट, सो फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट के लिए आया फॉर्म। नेम ऑफ द वैकेंसी जो कि 197 वैकेंसी है फ्रेंड्स। अप्लीकेशन का जो मोड रहेगा फ्रेंड्स, वो हमारा ऑफलाइन ही होने वाला है। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब, एंड जॉब का जो लोकेशन होने वाला फ्रेंड्स, वो ऑल इंडिया में आप कहीं भी कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो मिनिमम एज होने वाली है वो हमारी 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन देखने को भी मिलेंगे। सो आप SC ST के लिए 5 साल के लिए देखने को मिलेंगे, और OBC के लिए 3 साल के लिए देखने को मिलेंगे। सैलरी अभी नहीं हुआ है फ्रेंड्स। सिलेक्शन का जो मोड होगा वो रिटर्न एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स। अप्लीकेशन का जो फ़ी है वो नो फी है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके, जो कि www.indianairforce.nic.in है। और ये फ्रेंड्स अप्लाई जो इसका नोटिफिकेशन है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अप्लाई इसे ऑफलाइन ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिट के लिए एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, वो 7/8/2021 से है फ्रेंड्स, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो फ्रेंड 27/8/2021 जो कि 27/8/2021 तक होने वाला है। IAF ग्रुप सी जो वैकेंसी 2021 में होने वाली है फ्रेंड्स, उसका पोस्ट का नेम देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज इसे दिया गया है फ्रेंड्स। सो कुक के लिए, ओजी के लिए UR में 8 सीट्स देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, वहीं OBC में 6, SC में 1, ST में 1 एंड EWS में 2, जो कि PH में नहीं देखो, जो कि टोटल मिल के हो जाएंगे फ्रेंड्स। कुक के लिए 18 टोटल सीट्स आपको देखने को मिलेंगी कैटेगरी वाइज, जो कि MTS में UR में 28 देखने को मिलेंगे, OBC में 14, SC में 11, ST में 5 एंड EWS में 6 और PH में 1, जो कि टोटल मिल के हो जाएंगे फ्रेंड्स 65। लॉन्ड्री मैन में आपको 2 UR में देखने को मिलेंगे, OBC में 9, SC में 9, ST में 9 एंड EWS में 9 और PH में 9, जो कि 2 हो जाएंगे सिर्फ UR में ही। लॉन्ड्री मैन में CSS में SK में आपको फ्रेंड्स UR में नहीं देखने को मिलेंगे, OBC में सिर्फ 1 देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल मिलके 1 हो जाएंगे। SC मैक में आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे UR में नहीं, आपको OBC में आपको देखने को मिलेंगे नहीं, एंड द SC में आपको 1 देखने को मिलेंगे, एंड ST में भी आपको 1 देखने को मिलेंगे, EWS में नहीं देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, PH में नहीं, जो कि टोटल मिलके हो जाएंगे 2 फ्रेंड्स। कारपेंटर जो कि SC में आपको UR में 7 देखने को मिलेंगे, OBC में 2 एंड SC में 2 एंड ST में 9 एंड EWS में आपको 2 सीट्स देखने को मिलेंगे एंड PH में 1, जो कि टोटल मिलके हो जाएंगे फ्रेंड्स 14। स्टोर मैन में आपको देखने को मिलेंगे UR में 14, OBC में 11 एंड SC में 7, SC में 3 और EWS में 5 एंड PH में 9, जो कि टोटल मिलके हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 40। एंड द पेंटर में SK में देखेंगे, जो कि UR में 2 है फ्रेंड्स, OBC में 1 है फ्रेंड्स, SC में 9, ST में 9, EWS में 1 एंड द PH में 9, जो कि टोटल मिलके हो जाएंगे 4। उसके बाद फिटर SK में देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको UR में 1 देखने को मिलेंगे, उसके बाद OBC में 9 देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे आपको, SC में आपको 1 सीट्स देखने को मिलेंगे, ST में 1 सीट्स देखने को मिलेंगे, EWS में नहीं देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, PH में 9 एंड द टोटल मिलकर आपको 3 हो जाएंगे। LDC में आपको UR में 4 सीट्स देखने को मिलेंगे, OBC में 3 सीट्स एंड SC में 1, ST में नहीं, EWS में 1 एंड द PH में 3, जो कि टोटल मिलकर 9 हो जाएंगे। टेलर में भी फ्रेंड्स आपको UR में 3 देखने को मिलेंगे, OBC में 1 देखने को मिलेंगे, SC में 1 देखने को मिलेंगे, ST में नहीं, EWS में नहीं, PH में नहीं, जो कि टोटल मिलकर 5 हो जाएंगे। स्टोर कीपर में आपको UR में 5 सीट्स देखने को मिलेंगे,
ओबीसी में 6 सीट्स देखने को मिलेंगे, एससी में 1, एसटी में नहीं आपको, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं एंड पीएच में भी नहीं, जो कि टोटल मिलकर आपको हो जाएंगे 12। मिस स्टाफ में ओनली 4, यूआर के लिए 5 सीट्स देखने को मिलेंगे, जो कि और किसी के लिए नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल मिलकर 5 ही रहेंगे फ्रेंड्स। और ट्रेडमैन जो कि मेट रहेंगे उनके लिए यूआर में भी 5 देखने को मिलेंगे, ओबीसी में 1 एंड द एससी में 1, जो टोटल मिलकर हो जाएंगे फ्रेंड्स 7, जहाँ तक कि एसटी ईडब्ल्यूएस एंड पीएच में आपको नहीं मिलेंगे। एचकेएस जो कि सफाई वाला है उसमें आपको यूआर में 4 मिलेंगे फ्रेंड्स 6 देखने के, ओबीसी में 1 एंड द एससी में 1, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में आपको मिलेंगे फ्रेंड्स 1, पीएच में नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल मिलकर 9 हो जाएंगे। और हिंदी टाइपिस्ट जो कि सब में किसी में से देखने को नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ओनली 4 आपको देखने के मिलेंगे ईडब्ल्यूएस में, और पीएच में भी नहीं, ओबीसी में भी नहीं, यूआर में भी नहीं, एससी एसटी में भी नहीं, जो कि आपको टोटल मिलकर फ्रेंड्स 1 ही हो रहेंगे। एड्रेस वाइज वैकेंसी डिटेल्स आपको दी गई है फ्रेंड्स, जो कि पोस्ट का पोस्टल एड्रेस के अकॉर्डिंग, पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग एंड वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको सब देखने को मिलेंगे, जो कि एचक्यू मेंटेनेंस कमांड आईएएफ जो है, जो सीओ एचक्यू एमक्यू यू एयर फोर्स वायुसेना नगर नागपुर, जो कि डिटेल्स आपको इन पे साइन करना होगा, जो कि 44 उसका वहाँ का पिन कोड नंबर है, कुक ओजी एमटीएस 12, लॉन्ड्री मैन सीएसडब्ल्यूएसके, ऑग मैक कारपेंटर एसकी एमटीएस, आपको स्टोर कारपेंटर एवरीथिंग आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि कैटेगरी एंड एड्रेस वाइज है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, पोस्ट का नेम है और वैकेंसी है, आपको इनमें सब कुछ देखने को मिलेंगे, जो कि पोस्टल एड्रेस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इधर कानपुर है, कानपुर का पिन कोड सब चीज़ है, उसके बाद कुक का सब चीज़ है फ्रेंड्स, उसके बाद आप पोस्ट नेम वैकेंसी सब चीज़ को देख कर आप इसे उस एड्रेस पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। एमटीएस लॉन्ड्री मैन कुक का पेंटर स्टोर कीपर, जो कि एड्रेस गुवाहाटी अकॉर्डिंग सारा चीज़ इसको में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स इसमें भी आप देख सकते हैं एचक्यू ईस्टर्न एयर कमांड जो कि आईएएफ है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आसाम ईस्टर्न कमांड आ जाएंगे, आसाम साइड में आ जाएंगे, वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसे इस एड्रेस पे पोस्टल एड्रेस पे आप अपने फॉर्म को सेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। एचक्यू साउथ वेस्टर्न एयर कमांड आईएएफ जो कि आप देख सकते हैं पुणे जोधपुर एवरीथिंग आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सारे जगह आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट्स के हो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी देखें तो फ्रेंड्स इसका ग्रेजुएटेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट होना चाहिए ग्रेजुएटेड, एंड लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो कि फ्रेंड्स आप एलडीसी के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, जो कि टाइपिस्ट स्पीड जो होनी चाहिए आपकी फ्रेंड्स 35 राइट टू स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश और 30 राइट टू स्पीड इन हिंदी होनी चाहिए, जो कि कंप्यूटर बेस्ट होने चाहिए फ्रेंड्स, जो कि 10,500 kWph 9,000 kWph ऑन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन 4 होने चाहिए इच वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको फ्रेंड्स। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए स्टोर कीपर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको होना लगता है फ्रेंड्स। और कुक के लिए ऑर्डिनरी ग्रेड होना चाहिए, जो कि 10th के ऊपर भी आपको डिपेंड करता है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिप्लोमा आपके भी हो तो चलेगा फ्रेंड्स, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ट्रेड के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे आपसे लेगा। एंड पेंटर के लिए भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं 10th पास फॉर रिकॉग्नाइज एंड आईटीआई सर्टिफिकेट इन ट्रेड, जो कि पेंटर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और एक्स सर्विसमैन इज अप्रोक्सिएट ट्रेड वाइज पेंटर। एंड कारपेंटर के लिए भी आप देख सकते हैं, जो कि 10th एंड आईटीआई से रिलेटेड है फ्रेंड्स। कॉपर स्मिथ एंड सीट मेटल वर्कर के लिए भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सारी चीज़ को इसको नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, हर चीज़ के लिए आपकी वैकेंसी आई है, हर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है एंड हर चीज़ के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स वो अलग अलग है, किसी के लिए 10th के लिए, किसी का 12th के लिए, हर कोई इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो ग्रेजुएट है वो भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग टेलर एवरीथिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। सिलेक्शन जो प्रोसेस होने वाला है वो फ्रेंड्स एग्जाम के बेस्ट पे होने वाला है, जो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होने वाला है एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट एग्जाम एंड 100% विल बी स्किल टेस्ट जो कि होने वाला है, क्वालिफिकेशन नेचर ओनली मार्क्स अवार्डेड जो भी एडेड होंगे एंड एलडीसी एयरफोर्स ग्रुप सी सिलेबस जो होने वाला है फ्रेंड्स वो आप भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते। सो अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए नई नई वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।